और 14 सितंबर को बरसाना में मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध राधा अष्टमी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर रविवार को मथुरा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ब्रीफिंग की और कहा कि सभी इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं, मेला सकुशल संपन्न होगा। बरसाना के 13 और 14 सितंबर को आयोजित होने वाले श्री राधा अष्टमी मेले की तैयारियों को लेकर रविवार को बरसाना के एक स्थानीय होटल में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मेले के दौरान की गई संपूर्ण तैयारियों की ब्रीफिंग की। इस दौरान पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के बीच अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मेले के दौरान की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गोवर्धन, कोसी, छाता और कामा से आने वाले सभी रास्तों के बैरिकेटिंग, पार्किंग, प्रकाश की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और भक्तों द्वारा लगाए जाने वाले भंडारों को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। श्री राधा जन्मोत्सव के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर मार्गों में श्रद्धालु आसानी से पहुँच सके, इसके लिए प्रत्येक मार्ग व मंदिर मार्गों पर पुलिस तैनाती के साथ जगह जगह बैरियर भी लगाए गए, जिससे आने जाने में लोगों को असुविधा ना हो। वहीं 13 और 14 सितंबर को बरसाना में वाहनों के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आवारा पशुओं को लेकर भी प्रशासन लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। CCTV कैमरों से मेले की निगरानी की जाएगी। जेब कतरों और अपराधियों व दुर्घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने अलग से इंतजाम किया है। आयोजन के अवसर पर सभी हमारे जो एक ब्रीफिंग और एक डी ब्रीफिंग की मीटिंग में इस एरिया को डिवाइड किया गया है और सभी हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी अपने अपने सेक्टर में सभी व्यवस्था के लिए प्रभारी रहेंगे और उसकी कानून व्यवस्था को भी और दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। साथ ही साथ एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें सभी विभाग के अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और स्थिति के ऊपर एक नज़र रखेंगे, इंश्योर करेंगे हमारे दर्शनार्थियों को दर्शन लाभ करने के लिए जो है उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के संबंध में व्यवस्थाएं की गई हैं। विभिन्न 8 जगहों पर मेडिकल टीम्स 24 घंटे लगाई गई हैं, एम्बुलेंसेज भी लगाई गई हैं विभिन्न स्थानों पर। साथ ही साथ जो एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे बरसाना के वहाँ पर टीम्स लगाई गई हैं जो कि सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और मास्क के वितरण या मास्क की चेकिंग तो सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण करने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बारे में हमारे जो अच्छी व्यवस्था के राधा अष्टमी का पावन पर्व यहाँ बरसाना में प्रसिद्ध लाडली जी के मंदिर में मनाया जाना है, उसको लेकर के सुरक्षा और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए ब्रीफिंग का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। हमारे डीएम साहब द्वारा सभी अधिकारियों, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को उनके दायित्व के बारे में बताया गया है, उनसे फीडबैक लिया गया है कि अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है ताकि दर्शनार्थी अच्छे से दर्शन कर सकें और यही संकल्प लिया गया है कि जो भी श्रद्धालु और दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं उनकी सुरक्षा सुविधा और सुगमता के साथ भी वहाँ दर्शन कर सकें और अच्छी सुविधाएं यहाँ से ले सकें। देखिए टोटल 3 जोन हमारे द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं और उसमें 7 सेक्टर्स बनाए गए हैं। इसमें ट्रैफिक का है, कस्बे का है और मंदिर का जो प्रांगण है उसका जोन बनाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल, गेस्टेड ऑफिसर यहाँ पर लगाए गए हैं, PSC की ड्यूटीज यहाँ पर लगाई गई हैं और हमें पूर्ण आशा है कि इन सभी ड्यूटीज़ के साथ अच्छा मेला संपन्न होगा।